आज की कहानी है शेर और मच्छर की कहानी। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवर पर अपनी दोष जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने झुक जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिन्न बना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल के रख दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करे वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप ये बात मुझे नम्रता से भी कह सकते हैं, आखिर मैं भी तो इस धरती का प्राणी हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा, और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि तुम्हें कोई भी यूं मसल के रख दे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, मैं तो बार बार कहूंगा। मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुंचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। जल्दी बोलो, तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं, उन्हें नीचा दिखाएं। मैंने जो कहा सच कहा है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड में शेर कर जा। ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर चुप ना रहे। कर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत की मेरे सामने आकर ये बात कहो? मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजाक चखाकर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस से बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागने लगा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता वे उसके पीछे जाते और उसे काटते रहते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमसे बुरा व्यवहार किया, आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया, अब मैं कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन तुम्हें ये ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो, हर किसी का अपना सामर्थ्य होता है और शक्ति होती है। यह सुनते ही शेर वहां से तौबा करते हुए भाग गया। इससे शिक्षा मिलती है, किसी को भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।